नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप अपने कितने घर ले सकते हैं और गोल्ड कितना आप अपने घर पर रख सकते हैं। तो आप ये देखिए कि जानिए कितने घर आप अपने नाम पे ले सकते हैं या कितने घर आप अपने रिश्तेदारों के नाम पे ले सकते हैं और कितना कैश रखने पर आपको सरकारी समस्या हो सकती है। तो निवेश की दुनिया से जुड़े एक्सपर्टों का मामला है कि आप आयकर विभाग से इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितने घर हैं, लेकिन घरों पर होम लोन का लाभ लेना चाहते हैं, इसके कुछ नियम भी हैं। घरों की संख्या पर भी आयकर विभाग अपनी पैनी नज़र रखता है। मान लीजिए अगर किसी के पास 5 या 10 घर उसके नाम पर रजिस्टर्ड है तो वो कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है और आपको अपने आय के सारे स्रोतों का ब्यौरा देना होगा कि ये सारे घर आपको विरासत में मिले हैं। और परंतु यदि उस व्यक्ति की आय के स्रोत सही है तो उसको किसी भी तरह का घबराने की या चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आप जानते हैं कि घर में गोल्ड रखने की कितनी लिमिट है, हम कितना गोल्ड जो है वो अपने घर पर रख सकते हैं और हमें टैक्सों में छूट मिलेगी। कई लोग घरों में गोल्ड रखते हैं, लेकिन यदि कोई भी व्यक्ति उसे केवल 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड घरों में ही गोल्ड रखने की छूट होती है और एक माता पिता को दिया है तो वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाएगा। एक व्यक्ति 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट लेता है और अगर वो अपने घर में 10 लाख रुपये सालाना की रीपेमेंट भी करता है तो उसको छूट केवल 1.5 लाख रुपये की ही मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको जरूर बताइएगा, कमेंट करें, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।